11 sums already complete ho chuke hain, debentures ke kar diye, shares ke kar diye. Conversion of debentures into shares bhi kiya last sum mein. So coming to the last question of this chapter, abhi yahan pe ye sum mein kya hai ki aapka conversion ho raha hai, but sare debentures ka conversion nahi ho raha hai. Only part of the debentures are getting converted into shares. तो ये लास्ट क्वेश्चन अपने को कवर अप करना है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाएगा. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, मिसेस हीना परचेज ऑन 1st of May 2015 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इन ए लिमिटेड ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 lakhs एट ₹105 एक्स इंटरेस्ट. शी अडॉप्ट द कैलेंडर ईयर फॉर द अकाउंटिंग पर्पज, बट ए लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 31st March एंड 30th September एवरी ईयर. और देखो कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है, जनवरी से दिसंबर तक का, दैट इज योर अपना होता है ना, जन से दिसंबर, दैट इज योर कैलेंडर ईयर. सो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर नहीं है, अप्रैल से मार्च वाला. सो यहाँ पे अपना ईयर एंड हो जाएगा 31st December और इंटरेस्ट ड्यू डेट कभी है 31st March एंड 30th September. मिसेज हीना ऑल्सो एट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, August 1st परचेज ₹2,50,000 डिबेंचर एट 107 कम इंटरेस्ट, October 1 सेल ऑफ ₹2,00,000 डिबेंचर एट ₹103, December 31 रिसीट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच इन ए लिमिटेड ऑन कन्वर्टिंग 20% ऑफ द डिबेंचर्स हेल्ड ऑन दैट डेट. अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कन्वर्जन बोला है, पर कितना कन्वर्जन बोला है, 20% ऑफ डिबेंचर्स. मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर वॉज ₹106. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 13.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, अज्यूम एवरेज कॉस्ट बेसिस. अभी देखो यहाँ पे डिबेंचर्स थे, उसका 20% इज कन्वर्टेड इन टू शेयर्स, बट आपको सिर्फ एक ही इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने को बोला, दैट इज योर डिबेंचर्स का, तो दूसरा शेयर्स का नहीं बनाना है. और सारे के ट्रांजेक्शन देखोगे तो आप डिबेंचर्स के भी हैं, तो अगर आप शेयर्स का भी बनाते हो तो सिर्फ एक कन्वर्जन का ही एंट्री आएगा उसके अंदर, उसके अलावा शेयर्स का कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ना कि वो पूछा है. तो एक चलो फटाफट डिबेंचर्स का बना दो. अभी फॉर्मेट आई होप यू रिमेंबर. क्वेश्चन नंबर 12, इन दी बुक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ, देखो इन दी बुक्स ऑफ कौन है, मिसेस हीना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑफ 13.5% कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एंड दिस इज फॉर द ईयर एंड डेट सिंस इट इज गिवन कि कैलेंडर ईयर है, सो दिस इज 31st December 2000, कौन सा दिया हुआ है आपको 2015, एंड इंटरेस्ट ड्यू डेट्स भी की दी हुई है. ड्यू डेट्स कौन सी है, 31st March एंड 30th September. ये बेसिक ऊपर का इन्फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद फॉर्मेट बना लेंगे. चलो ये फॉर्मेट बन गया, अभी इसके बाद अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, टाइमलाइन और फिर सारे वर्किंग नोट्स. तो आ जाओ वर्किंग नोट्स पे. ये क्वेश्चन में टाइमलाइन तो बहुत छोटा सा जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन तो है नहीं. देखो क्वेश्चन में, मिसेज जीना परचेज ऑन 1st of May 2015 13.5 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख के रखती हूँ 13.5 कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. कभी परचेज किया, 1st of May 2015 को ऑफ अ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 lakhs. सो यहाँ पे 1515 परचेज किया है 5 lakhs का, दैट इज़ योर फेस वैल्यू एंड इट इज परचेज एज 105 एक्स इंटरेस्ट. सो ₹105
सिर्फ एक्स लिख के रखती हूँ। सो इस दिन परचेज हुआ, 5 lakhs का एट 105 एक्स इंटरेस्ट। शी अडॉप्ट द कैलेंडर ईयर फॉर द अकाउंटिंग पर्पज। वो अपन ने लिख दिया कि 31 दिसंबर इज ईयर एंडेड, बट ए लिमिटेड पेज इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च एंड 30 सितंबर। वो पूरा अपना टाइमलाइन बनेगा, उसके बाद इंटरेस्ट डेट डाल देंगे। नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, 1st ऑफ अगस्त को वापस परचेज है, सो 1815 परचेज, 2,50,000 डिबेंचर्स, 2,50,000 का कितना हो जाएगा 107, और ये अभी आपका परचेज कम इंटरेस्ट में। नेक्स्ट अक्टूबर 1 सेल हुआ है 2 lakhs का, सो 1st ऑफ अक्टूबर 15 सेल 2 lakh डिबेंचर्स। और उस दिन क्या हुआ है, और ये डिबेंचर सेल हुआ है एट ₹103, सो ₹103। उसके बाद दिसंबर 31st, सो अपना यहाँ पे आ जाएगा 31st December 15, क्योंकि ये मेरा लास्ट डेट है। उसी दिन मेरा रिसीप्ट ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, सो यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 पर शेयर, और कन्वर्जन कितना हो रहा है 20% ऑफ डिबेंचर्स। ये कन्वर्जन हो रहा है 20% डिबेंचर्स का। मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर वॉज ₹106। तो इसी दिन पे ये आपका एक ट्रांजैक्शन हुआ, सेकेंड आपको दिया हुआ है कि मार्केट वैल्यू इज ₹106, सो यू ऑल्सो नीड टू डू वैल्यूएशन, और बस हो गया। अभी इसके बाद आपको क्या करना है, 31 मार्च एंड 30 सितंबर का इंटरेस्ट डेट, सो 31 मार्च तो इसके पहले जाएगा, 31 मार्च 50 ये मेरा इंटरेस्ट डेट हुआ, फिर मैं आ गया, और उसके बाद क्या है 30 सितंबर, तो अगस्त के बाद बिफोर अक्टूबर ये आ जाएगा 30 सितंबर 15 इंटरेस्ट। तो एक 31 मार्च हो गया, एक 30 सितंबर हो गया। बस अभी सारा डेट आपने लिख दिया, सिर्फ एक चीज़ कैलेंडर ईयर पे, एक तो कन्वर्जन हुआ है, सेकेंड वैल्यूएशन हुआ है, और थर्ड व्हाट वी डू अक्रूड इंटरेस्ट। सो ये तीनों तीन चीज़ें हुए हैं, एक तो आपको कन्वर्ट करना है, फिर मार्केट वैल्यू दिया है, सो यू ऑल्सो नीड टू डू वैल्यूएशन, और उसके बाद अपन करेंगे, क्योंकि लास्ट डेट था 30 सितंबर, तो वी ऑल्सो डू अक्रूड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। अभी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन, अब ये आपका सारा जो क्वेश्चन में डेटा दिया था वो पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। फर्स्ट वर्किंग नोट 1 क्या हुआ है, परचेज। अभी देखो परचेज कभी हुआ है, 1st ऑफ मई को, कितना 5 lakhs का एट ₹105 एक्स इंटरेस्ट। क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट है, दिस प्राइस इज इटसेल्फ इज द कॉस्ट, सो प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट इज इक्वल टू, नाउ फेस वैल्यू इज 5 lakhs, सो आपका नंबर ऑफ डिबेंचर्स वुड बी 5,000, क्योंकि 100 rupees का एक डिबेंचर्स है, इंटू ₹105, सो करो कितना आता है 5,000 इंटू 105, दैट इज कमिंग टू 5,25,000, ये 5,25,000 आ गया। और विथ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन वी ऑल्सो कैलकुलेट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कैसे हो जाएगा, फेस वैल्यू इज 5 lakhs, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, इन टू परसेंटेज कितने हैं 13.5%, और अभी मंथ्स गिनना है फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो अभी इसके पहले का लास्ट इंटरेस्ट कभी था 31 मार्च, तो उसके बाद हो जाएगा अप्रैल, बस क्योंकि 1 मई को तो परचेज कर दिया, तो इट इज़ ओनली 1 month, सो 1/12, चलो करो 5 lakhs इंटू 13.5% डिवाइड बाई 12,
दैट कम्स टू 5625. सो जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में अपने को चाहिए, कॉस्ट आ गया क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट था, सो योर प्राइस इटसेल्फ इज योर कॉस्ट, इंटरेस्ट आ गया और नॉमिनल वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 लाख. तो अभी आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे और पोस्टिंग करो 1515 टू बैंक अकाउंट, नॉमिनल वैल्यू इज 5 लाख, इंटरेस्ट इज 5625 और कॉस्ट था 5,25,000. ये इतना हुआ. वी ऑल्सो राइट द रेफरेंस वर्किंग नोट 1. चलो ये समझा, ये नॉर्मल परचेज का एंट्री हुआ. उसके बाद देखो टाइमलाइन पे नेक्स्ट क्या हुआ, वापस परचेज हुआ. सो वर्किंग नोट 2 परचेज, ये परचेज हो रहा है मेरा 1815 को, 1st of August को हुआ है. अभी देखो यहाँ पे परचेज 2,50,000 इज द नॉमिनल वैल्यू, दैट मीन्स आपने कितने डिबेंचर्स लिए, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर्स है, सो 2,500 जो प्राइस इज इक्वल टू, बोलो ये कम इंटरेस्ट है तो ये प्राइस आपका कॉस्ट होगा कि इसमें से अपने को इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा. स्टार्टिंग में इतने सारे सब में किया, ये क्योंकि कम इंटरेस्ट है यहाँ से आपको इंटरेस्ट निकालना है. सो आई विल से 2,500 × 107. सो 2,500 × 107 इट इज़ कमिंग टू 267,500 लेस इंटरेस्ट, क्योंकि ये परचेज था मेरा एक्स इंटरेस्ट, सो प्राइस इज इटसेल्फ कॉस्ट, ये परचेज था कम इंटरेस्ट, इसीलिए मेरा प्राइस में से मेरे को इंटरेस्ट माइनस करना है. सो 2,50,000 × 13.5% अभी देखो लास्ट ड्यू डेट ऑफ ट्रांजेक्शन टिल लास्ट ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन. सो यहाँ से लास्ट ड्यू डेट 31st March था, सो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त नहीं आएगा क्योंकि 1st of August को परचेज करो. सो इट कमिंग टू 4 मंथ्स, 4/12 गिनो कितना था, 2,50,000 × 13.5% × 4/12, 11,250 आया. और आप यहाँ से प्राइस में से अगर इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है. सो 267,500 − 11,250 दैट कम्स टू 256,250. ये आया 256,250. अभी ये जो आया उसका वापस पोस्टिंग करेंगे. आ जाओ इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे 1815 टू बैंक अकाउंट, माई नॉमिनल वैल्यू इज 2,50,000, इंटरेस्ट जस्ट अभी कैलकुलेट किया 11,250 एंड आफ्टर रिड्यूसिंग द इंटरेस्ट फ्रॉम प्राइस आई गॉट द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स एज 256,250. चलो इतना हुआ. विल राइट द रेफरेंस वर्किंग नोट 2. ये समझा, एक परचेज दूसरा परचेज, ये एक्स इंटरेस्ट परचेज था और ये कम इंटरेस्ट परचेज था. कमिंग टू द थर्ड, अभी क्या हुआ है, इंटरेस्ट आ रहा है 30th September. सो वर्किंग नोट 3 इंटरेस्ट ऑन 30th September 50. इंटरेस्ट किस पे मिलता है, अब तक जितने डिबेंचर्स हैं उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. इवन इफ यू सी ओवर ईयर आपके पास 5 लाख था, फिर 2,50,000 या फिर इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नॉमिनल वैल्यू का डेबिट माइनस क्रेडिट करते हो तो भी मिल जाता है, बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन हुए अब तक. साइकुड से 7,50,000 × 13.5% और अभी लास्ट ड्यू डेट देखो मार्च है और मार्च से सितंबर, क्योंकि ये हाफ ईयरली इंटरेस्ट है आपको ये सिर्फ 6 मंथ्स के लिए आएगा. ये इंटरेस्ट कैसा हो गया कि एक्चुअली कंपनी आपको इंटरेस्ट डिक्लेयर करी और पे ऑफ करी है. कंपनी ने 2 डेट्स बोला था, एक तो मार्च में मिलेगा और एक सितंबर में,
मार्च की बात आती नहीं क्योंकि तभी मेरे पास कोई डिबेंचर्स थे ही नहीं। आप देखोगे तो मैंने मई से ही डायरेक्ट परचेज किया था। बट व्हेन कमिंग टू 30th September आई वॉज होल्डिंग दिस 5,000 + 2,500 दैट इज 7,500 ऑफ डिबेंचर्स। सो नॉमिनल वैल्यू इज 7,50,000। इंटरेस्ट रेट इज 13.5% इन टू, क्योंकि हाफ ईयरली इंटरेस्ट है तो 6/12। सो करो 7,50,000 into 13.5% into 6/12, that is coming to 50625। आया आप लोगों का 50625। अभी ये इंटरेस्ट आ गया तो इसका पोस्टिंग करेंगे यहाँ पे। चलो आ जाओ 30th September 15 बाई बैंक अकाउंट। नॉमिनल वैल्यू में कुछ नहीं आता, कॉस्ट में कुछ नहीं आता, और इंटरेस्ट में आ जाएगा 50625। दिस इज द एक्चुअल रिसीट ऑफ इंटरेस्ट, इसीलिए क्रेडिट साइड पे आ गया। अभी यहाँ पे वर्किंग नोट का रेफरेंस लिख दो, वर्किंग नोट 3। चलो इतना ट्रांजेक्शन्स ख़त्म हुआ। कमिंग टू नेक्स्ट, अभी इसके बाद आपको क्या हुआ है, सेल हुआ है, सेल 2 lakhs डिबेंचर्स का एट ₹103। सो आई वुड से वर्किंग नोट 4 सेल। अभी देखो ये जो 103 हुआ है सेल सेलिंग प्राइस जो आपको दिया हुआ है, इज इट एक्स इंटरेस्ट या कम इंटरेस्ट? देखो क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया हुआ है ये 103 एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट। इफ यू सी वो स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये एक्स इंटरेस्ट है या कम इंटरेस्ट है, इसीलिए नथिंग स्पेसिफाइड। एकदम स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि अगर कुछ भी नहीं बोला तो वी अज्यूम दिस इज एक्स इंटरेस्ट। सो माई प्राइस इट्सेल्फ इज माई सेलिंग प्राइस, और वो हो जाएगा क्योंकि ये 2 lakhs है, दैट इज 2,000 डिबेंचर्स एट 103। चलो करो कितना था 2,000 इंटू 103, दैट कम्स टू 2,06,000। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस। क्योंकि ये कुछ नहीं दिया तो आई अज्यूम ये सेल हुआ है 1st October को, आई अज्यूम दिस इज एक्स इंटरेस्ट प्राइस। ये समझा। उसके बाद इंटरेस्ट, नाउ इंटरेस्ट वी ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन नॉमिनल वैल्यू, तो 2 lakhs इंटू 13.5% इंटू, अभी लास्ट ड्यू डेट देखो 1st October पे थे और ये कौन सा है 30th September, क्योंकि एक ही दिन है हुआ है तो इसका तो कोई अपने को इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। सो दिस इज टेक्निकली 0/12, सो दिस विल बी 0। सो यहाँ पे इंटरेस्ट विल बी 0। और कभी भी सेल करते हो तो सेल के साथ और एक वर्किंग नोट जुड़ता है। कौन सा वर्किंग नोट जुड़ता है? सेल करते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस भी होता है। सो वर्किंग नोट 5 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, क्योंकि अपने को गिनना पड़ेगा कि ये सेल करके मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, दिस इज सेल ऑफ योर असेट ना। सो सबसे पहले लिख दो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इज 2,06,000 लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है अज्यूम एवरेज कॉस्ट बेसिस, और एनीवेज वी अज्यूम वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज कॉस्ट वापस एक बार लिखवाती हूँ, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट करते हो डिवाइड बाय नॉमिनल वैल्यू डेबिट माइनस क्रेडिट इनटू नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल। हर एक सम में हम लोग ने ये किया हुआ है। चलो आ जाओ कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट करने के लिए। यहाँ पे कॉस्ट में कितना है, टेक योर कैलकुलेटर्स, 5,25,000 प्लस 256,250, टोटल 781,250 आया, और क्रेडिट में तो कुछ है ही नहीं। If you see nominal value, so that is 5 lakhs plus 2,50,000, so 7,50,000 हो गया। यहाँ पे क्रेडिट में कुछ नहीं है। सो कॉस्ट आया था 781,250, नॉमिनल वैल्यू था 7,50,000, एंड नॉमिनल वैल्यू ऑफ सेल ऊपर ही आपको मिल गया, दैट वॉज कमिंग एज 2 lakhs। अभी ये मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 781,250 इंटू 2 lakhs डिवाइड बाई 7,50,000, इट इज़ कमिंग टू समथिंग
2083333333.3333, तो पॉइंट्स में नहीं लेने का, उसका सीधा सिर्फ इतना ही लिख दो 2083333. पॉइंट आ रहा है, पॉइंट के बाद 5 से कम है, सो विल नॉट राउंड ऑफ. सो अभी इसमें से ये माइनस करो, सो 2083333 माइनस 2,06,000, दैट कम्स टू 2,333. अभी बोलो ये प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ. सेलिंग प्राइस 2,06,000 है जबकि कॉस्ट 2,08,000 है. मेरा कॉस्ट ज़्यादा था और बेच के मेरे को कम पैसा मिला, सो आई हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 2,333. चलो अभी इसका पोस्टिंग करो, सेल्स का और प्रॉफिट एंड लॉस का. सेल कर रहे हो तो क्रेडिट साइड पे जाएगा, 1st of October 15 बाई बैंक अकाउंट, माई नॉमिनल वैल्यू इज 2,00,000. इंटरेस्ट में कुछ नहीं था क्योंकि कोई भी डेज ही नहीं था. 30th September को इंटरेस्ट मिला था, 1st of October को भी सेल कर दिया था, सो इंटरेस्ट में कुछ नहीं है. एंड कॉस्ट दैट इज इटसेल्फ माई सेलिंग प्राइस 2,06,000. एंड ये वर्किंग नोट कौन सा है, 4. और उसके बाद अपन क्या करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल. सो ऑन द सेम डेट, क्योंकि लॉस हुआ है तो क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, बाई P&L में डेबिट हो जाएगा, लॉस है और यहाँ पे क्रेडिट. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, तो P&L में डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट, लॉस ऑन सेल. नॉमिनल वैल्यू में कुछ नहीं आता, इंटरेस्ट में कुछ नहीं आता और सीधा मेरे को लॉस हुआ है 2,333. दिस इज माई वर्किंग नोट 5. चलो ईजी, यहाँ तक दो परचेज हो गया, एक सेल हो गया, सेल के साथ प्रॉफिट एंड लॉस भी कर दिया. चलो टाइम लाइन पर आ जाओ, ये सेल भी हो गया, अभी क्या हो रहा है, कन्वर्जन. सो सबसे पहले जब बात करते हैं अपन कन्वर्जन की, सो कन्वर्जन कितना हुआ है, 20%. सो आई वुड से वर्किंग नोट 6 कन्वर्जन का मेरे को एंट्री पास करना है, एंड दिस इज हैपनिंग ऑन 31st December 15. अभी देखो आपके पास, पहले तो देख लो कि डिबेंचर्स है कितने. इफ यू सी यू हैड 5,00,000 प्लस 2,50,000, दैट वॉज 7,50,000 हो गया. और 7,50,000 में से 2,00,000 निकालोगे तो कितना बचेगा, 5,50,000. सो 5,50,000 इनटू कन्वर्जन इज 20%, यहाँ पे दिया हुआ है, सो इट इज 5,50,000 इनटू 20% कमिंग टू 1,10,000. अभी ये नॉमिनल वैल्यू तो मिल गया कि ओके चलो ठीक है, 1,10,000 का कन्वर्जन हो गया. ये कन्वर्जन कैसे होता है, क्योंकि ये आपके डिबेंचर्स वॉज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. सो कैसे हो जाता है कि मेरे पास एक लॉट ऑफ डिबेंचर्स है और जब भी डिबेंचर्स इशू करते हैं तभी ये सारे अग्रीमेंट फिक्स होते हैं क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएंगे. सो यहाँ पे ऐसा अग्रीमेंट था कि 20% 31st December को कन्वर्ट हो रहा है, तो ठीक है मैंने अपना नॉमिनल वैल्यू ले लिया, उसका 20% देख के 1,10,000 का मेरा जो डिबेंचर्स था That will be converted into equity shares of the same company. यहाँ पर मेरा कंपनी है A Limited है, सो ये भी कन्वर्ट होकर किसका शेयर्स बन जाएगा, इक्विटी शेयर्स ऑफ A Limited. बट इसके सामने मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि मेरे कितने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इन टू इक्विटी शेयर्स. सो इसीलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पर कॉस्ट का भी कैलकुलेशन करूँगी. सो हाउ मच द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज कन्वर्टेड इंटू इक्विटी शेयर. इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, कॉस्ट डेबिट माइनस क्रेडिट कर दो और इसका 20% ले लो. जैसे आपने नॉमिनल वैल्यू क्या किया, डेबिट माइनस क्रेडिट कर दिया, मतलब टोटल जितने डिबेंचर्स थे उसमें से जितने डिबेंचर्स सेल कर दिए, नेट डिबेंचर्स का 20% ले लिया. सिमिलरली कॉस्ट का भी नेट 20% ले लेंगे तो अपने को मिल जाएगा कि कन्वर्जन कितना हो रहा है. चलो कन्वर्जन आ जाओ, अगर आप देखोगे कॉस्ट में, सो दैट इज 5,25,000 प्लस 256,250 माइनस 2,06,000 माइनस 2,333. सो इट इज कमिंग टू
572,917 और इन टू 20% आ रहा है 114,583. सो आपका यहाँ पे कॉस्ट कितना आ गया 114,583. ये मेरा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर विच इज गेटिंग कन्वर्टेड कन्वर्टेड इनटू व्हाट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स. चलो अभी इसका यहाँ पे अपन पोस्टिंग करेंगे. सो 31 December 15 क्योंकि मेरा डिबेंचर्स जा रहा है सो क्रेडिट हो जाएगा बाय इक्विटी शेयर्स इन द सेम कंपनी विच इज़ योर ए लिमिटेड. नॉमिनल वैल्यू अभी अपन ने निकाला था 110,000 का और मेरा कॉस्ट कितना हो गया 114,583. सो इतने मेरे डिबेंचर्स जो यहाँ पे 110,000 थे वो कन्वर्ट हो गए. कन्वर्ट हो गए किस में? इक्विटी शेयर्स में. चलो ये इतना हुआ. अभी कौन सा आपके सारे ट्रांजैक्शंस तो कंप्लीट हो चुके हैं. सो क्या क्या बाकी है? इफ़ यू सी वंस यू हैव टू डू वैल्यूएशन एंड सेकेंड आपको क्या करना है अक्रूड इंटरेस्ट. तो सबसे पहले अपन वैल्यूएशन ले लेते हैं. सो दैट आई वुड से वर्किंग नोट 7 वैल्यूएशन. ये सब कुछ मेरा 31 दिसंबर को ही हो रहा है. अभी जब भी वैल्यूएशन की बात आती है तभी देखो मेरा मार्केट वैल्यू कितना है 106. तो उसके पहले मेरे को तो ये देखना पड़ेगा कि मेरे पास डिबेंचर्स ऑन हैंड कितने हैं. उसके लिए यहाँ पे आओ पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे. देखो 5 लाख था प्लस 2,50,000 सो दैट वॉज 7,50,000 माइनस 2 लाख और माइनस ये जो कन्वर्ट हो गया 1,10,000 सो दैट वॉज कमिंग टू 4,40,000. अभी ये 4,40,000 और एक डिबेंचर कितने का है 100 रुपीज़ सो डिवाइड बाय 100 कर दोगे सो यू हैव ऑन हैंड 4,400. सो यहाँ पे लिखो मार्केट वैल्यू वुड बी इक्वल टू 4,400 डिबेंचर्स इन टू पर डिबेंचर इट इज़ गिवन 106 इन टू 106 दैट कम्स टू 466,400. और मेरा मेरे को कॉस्ट भी निकालना पड़ेगा बिकॉज अपन वैल्यूएशन कैसे करते हैं विच एवर इज़ लोअर योर कॉस्ट और योर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर. तो मार्केट वैल्यू तो लिख दिया कॉस्ट कैसे आएगा सेम थिंग डेबिट माइनस क्रेडिट कर दोगे तो यू विल गेट कॉस्ट. तो अभी चलो वापस इन्वेस्टमेंट में देखो डेबिट माइनस क्रेडिट 5,25,000 प्लस 256,250 माइनस 2,06,000 माइनस 2,333 माइनस 11,45,83 सो ये आ गया 458,334. अभी देखो वैल्यूएशन में अपन क्या बोलते हैं कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर. दोनों में से कौन सा लोअर दिख रहा है आपको 466 या 458? ऑब्वियसली 450 है. सो मेरा वैल्यूएशन किस पे होगा 458,333. अभी ये दो आ गया और उसके साथ ही यहाँ पे अपन अक्रूड इंटरेस्ट का भी कर लेते हैं. सो वर्किंग नोट 8 अक्रूड इंटरेस्ट. ये अक्रूड इंटरेस्ट क्यों आता है क्योंकि मेरा लास्ट ड्यू डेट था 30 September जबकि मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 December. सो अगर मेरा दिसंबर पे ईयर एंड हो रहा है तो मेरे को सितंबर से लेके दिसंबर तक का जो भी 3 महीने का जो इंटरेस्ट है वो अर्न हो गया है. दो आई हैव नॉट रिसीव फ्रॉम द कंपनी बिकॉज आई